मेक इन ओडिशा रे सचिवालय रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे 15टी प्रकल्पर शिलान्यास करिसेंति मुख्यमंत्री ए 15टी प्रकल्प रे हेबो 11690 कोटी टंकार पूंजी विनियोग जेउतरे नियुक्ति पाइबे 8187 जण कर्मचारी एति सह गो स्विफ्ट पोर्टल रो शुभ उद्घाटन करिसेंति नवीन फाल्कन मेराइन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड रो उद्घाटन हेबा सह जाजपुर कलिंग नगर रे रामको जेएसडब्ल्यू इमामी सीमेंट रो शिलान्यास होईछि पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड संप्रसारण रो शिलान्यास करिसेंति मुख्यमंत्री गत वर्ष होइतिला मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव कॉन्क्लेव रे निवेश पाई एही शिल्प संस्था माने पूंजी निवेश पाई प्रतिश्रुति देथिले से आधार रे आज शिलान्यास करिसेंति 15टी प्रकल्प रा दिस हैज बीन अ लैंडमार्क इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड हैज बोर्न कमेंडेबल रिजल्ट्स in attracting industrial investments. It is due to such collaborative efforts of all departments of our government that the state is consistently ranked amongst the top three states in terms of live investments in India. I am also happy to have dedicated the unique Government of Odisha single window investor facilitation and tracking GoSwift portal to the investor community. All the support required by an industrial unit during the investment life cycle of the project, including 32 approvals and clearances from 15 departments, will be provided online. All these approvals and clearances required by industry will be delivered as per timelines laid down. आज स्टेट लेवल आमर जो सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी अछि तार 75 तम बैठक अनुष्ठित होबो एही अवसर रे माननीय मुख्यमंत्री गुटे गो स्विफ्ट पोर्टल को इनॉग्रेशन करिसेंती जहाँ जरिया रे आमर इन्वेस्टर जो माने ओडिशा को आसछंती इन्वेस्ट करिया पे सेमानकर जो प्रोसेसटा आउ टिके सिंप्लीफाई हे जिवो एवं सेमाने तांको क्लीयरेंस जाक आउरी तीव्रतर गति रे पाई परिवे एहा छडा आजिर बैठक को मिसेई प्राय 5 लाख कोटी टंका रो प्रपोजल स्टेट लेवल सिंगल विंडो कमिटी क्लीयरेंस अथॉरिटी अप्रूव करिसेंती आज पर्यंत